अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। अहंकार ही प्रतिष्ठात्मा है, तभी तो वो प्रतिष्ठा करता है। राग करता है वो भी प्रतिष्ठा, द्वेष करता है वो भी प्रतिष्ठा, शुद्धात्मा बोलता है वो भी प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा करने का काम उसका है, इसीलिए उसका नाम है प्रतिष्ठित आत्मा। दो प्रकार के प्रतिष्ठित आत्मा है, एक दिशा जो प्रतिष्ठा करके आए हैं वो अभी डिस्चार्ज हो रहा है, वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है। और दूसरा चार्ज प्रतिष्ठात्मा जो नई प्रतिष्ठा आज करता है उसका रिजल्ट नेक्स्ट बर्थ में आएगा। आज की प्रतिष्ठा उसका फल बाद में आएगा, और पहले किया था उसका फल आज मिल रहा है। तो आज आप कहते हैं कि मेरा फादर है, मदर है, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे है, ये प्रतिष्ठा कब की है? इसलिए ये नहीं नहीं है, आज तो डिस्चार्ज है, तो वो लाइव नहीं है। मगर इसको हम लाइव मानेंगे तो नए कर्मा चार्ज हो जाएंगे। स्वामी जी का मोक्ष किसका होता है? मोक्ष इसको बता, शरीर तो यही जल में चला देते हैं और आत्मा तो शुद्ध है, तो मोक्ष किसका होता है? जिसका स्वभाव ही मोक्ष है उसका मोक्ष होता है, मगर स्वभाव होते हुए भी स्वभाव की जागृति नहीं है तो वो मुक्त होते हुए भी मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकते। ये शरीर है और शरीर का नाम चंदूलाल है, क्या है? मगर नशा करते हैं तो क्या हो जाता है? मैं चंदूलाल हूं वो भी, और नशे में कुछ ना कुछ बोल देता है। ऐसे ये हर इंसान को अज्ञान का नशा है, तो वह है आत्मा, भूलता है क्या है, मैं किसी का फादर हूं, मदर हूं, माँ हूं, बाप हूं, भाई हूं, बहन हूं, ये नशा है। क्या है? अज्ञान का नशा। किसका नशा? ज्ञान रूपी दारू का नशा। वो नशे से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वास्तव में वो शुद्धात्मा है। तो मैं किसी का भाई हूँ, बहन हूँ बोलना गलती नहीं है, पति हूँ पत्नी हूँ बोलना गलता नहीं है। नशा किसको बोलते हैं? जो मैं बोलता हूँ वही मानता हूँ वो नशा है, और जो बोलता हूँ वो मानता नहीं तो नशा नहीं है। विज्ञान किसको कहेंगे? जो मैं अंदर मानता हूँ वो बाहर बोलूंगा नहीं, और जो बाहर बोलता हूँ वो अंदर मानूंगा नहीं तो नशा। बाहर कहूंगा कि मैं किसी का पति हूँ पत्नी हूँ, किसी का पिता हूँ माता हूँ, भाई हूँ बहन हूँ, वो बाहर बोलूंगा, अंदर कहूंगा मैं शुद्धात्मा हूँ तो नशा है। और बाहर कहता हूँ मैं अंदर मानता हूँ मैं शुद्धात्मा हूँ, वह बाहर बोलता है तो नशा। मगर जो बाहर बोलते वही अंदर मानते है वो क्या है? नशा। उसी का नाम है अज्ञान। सरल है कि नहीं? नहीं, इजी तो है, डिफिकल्ट है ही नहीं, समझाने वाला चाहिए। क्या चाहिए? अगर समझाने वाला नहीं है तो फिर डिफिकल्ट है। स्वामी जी, अभी आपने बताया है कि अपने आप को अलग करते रखना, मतलब वो कि आप विचार से अपने आप को अलग रखना है, कि अलग हुआ ऐसा सोचना है, कि उसकी कोई विधि है? बताऊ मैं आपको, देखो जैसे माचिस का बॉक्स है, माचिस का बॉक्स, मैच बॉक्स बोलते हैं, तो माचिस का जो बॉक्स होता है उसके ऊपर होल के डायमंड रख दिया, क्या रख दिया, और डायमंड की कीमत है 10 लाख रुपया। वो मैंने बंद कर दिया, क्या कर दिया, और बंद करके कबाट में रख दिया। अभी मैं आपको कहूंगा कि डायमंड कहाँ है तो आप क्या कहोगे? माचिस की डब्बी है
उसके अंदर पड़ा है, बराबर है, वो आपको अभी दिखता है? तो भी कैसे बताया आपने? मैंने आपको रखते हुए देखा, रखते हुए देखा। ऐसे ज्ञानी पुरुष हमको कहते हैं कि ये माचिस है ना, उसके अंदर आत्मा है। ये माचिस का बॉक्स है, बॉक्स में क्या है आपको एक बार बता दिया, अभी लक्ष्मण आपको रखना है। ये माचिस का बॉक्स है, एक बार जल जाएगा, मगर जो अंदर डायमंड रखा है वो जलेगा, वो आपको मैंने बता दिया। अभी आपको जागृत में रखना है कि ये माचिस का बॉक्स है और ये शुद्ध आत्मा है। अगर हम भूल जाएंगे तो गलती तो हमारी है। आप समझे, ज्ञानी का काम क्या है? ज्ञान देना, और बाद में सत्संग में आएंगे तो जागृति मिलेगी। उससे ज्यादा कोई चमत्कार कोई कर सकते है? नहीं, ये चमत्कार का तो मार्ग ही नहीं है। ये मार्ग जागृति का है, संपूर्ण अवेयरनेस। अगर वो है तो प्रगति है, वो नहीं है तो प्रगति। तो कीमत जागृति की है, किसकी है? क्रियाकांड की नहीं। स्वामी जी आपने बताया शब्द और अनुभव, क्या शब्द और अनुभव? शब्द और अनुभव। तो ये जो शुद्धात्मा का जो अनुभव या और किसी माध्यम से उसको स्पष्ट वेदन कर सकते हैं? अभी इस वर्ष के अंदर और इस कलयुग के अंदर कोई भी व्यक्ति को आत्मा का स्पष्ट वेदन नहीं होता है। क्या होता है? स्पष्ट वेदन नहीं। आत्मा का स्पष्ट वेदन किसी को नहीं होता है, मगर जो अनुभव ज्ञान से होता है वो कौन सा होता है? मन वचन काया से मुक्त रहने का। क्या होता है? मन वचन काया से मुक्त रहने का। आत्मा का अनुभव नहीं होता है, मन वचन काया से मुक्त हो वो अनुभव होता है, और वही अनुभव से राग द्वेष अज्ञानता खत्म हो जाए। क्योंकि आत्मा अंदर में है, इसको सबसे पहले किसने जाना? आत्मा, आत्मा इस माध्यम से दुनिया में है, ऐसा सबसे पहले किसने जाना? लाखों लोगों ने जाना, जिसको जो लोग संसार से मुक्ति पाई पहले उन्होंने जाना, सबको बताया, बाद में चले गए। तो अनुभव की विधि क्या है? वो तो मैंने बता दिया। तो किस प्रकार से उनको जानकारी हुई? किसको जानकारी, किस प्रकार? जो हजारों लोगों को जानकारी हुई वो किस प्रकार से हुई? सुनकर। सुनकर नहीं, जो सुना है उसका उपयोग करके। तो जैसे बिना उपयोग तो नहीं होता है। जैसे ध्यान के माध्यम से जानकारी होती है, श्वास के माध्यम से अंदर तक पहुंचते हैं और आत्मा तक पहुंचते हैं, ऐसा मैंने कई ऋषि महर्षि बताए हैं, वो कहां तक सत्य है? इस काल में सत्य नहीं है, किसी ने बताया है तो सबकी अपनी मान्यता हो सकती है। क्या बताया? मान्यता। मान्यता को हम गलत नहीं बोल सकते, मान्यता वो रिलेटिव सत्य है। सनातन सत्य के रूप में वो सही, मान्यता के रूप में हो सकता है। ये सिद्धांत है, कलयुग में किसी को स्पष्ट वेदन नहीं होता है, क्योंकि कलयुग में किसी का लास्ट बर्थ नहीं होता है, और स्पष्ट वेदन लास्ट बर्थ में होता है। अभी स्पष्ट दर्शन हो सकता है, स्पष्ट वेदन नहीं। स्पष्ट दर्शन का मतलब होता है मन वचन काय से मुक्तता की अनुभूति। उसके बाद एक दो या तीन भाव में भी मुक्ति हो सकती है, और जब मुक्ति का लास्ट वर्ष होगा उस समय आपको माता के गर्भ में से ही स्पष्ट वेदन होगा। स्पष्ट वेदन स्पष्ट अनुभूति, स्पष्ट अनुभूति। फिर पुरुषार्थ नहीं होता है, फिर क्या नहीं होता है? ये लोग बोलते हैं कि मेरे को आत्मा का अनुभव हो गया है, आत्मा का अनुभव हो गया है, स्पष्ट वेदन हो गया है, ये सब भ्रांति है। रियलिटी में दबाव से बोल सकते हैं, वो सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, भ्रांति है। क्या है? ये सिद्धांत नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है सिद्धांत के रूप में। श्रद्धा में तो कोई भी बोल सकता है, ये कहता है मेरे को राम की अनुभूति हो, कृष्ण की होगी, महावीर की होगी, बोल सकते हैं। हम कैसे मना कर सकते हैं? उसकी मान्यता है अपने। मैं तो सिद्धांत क्या है वो बताता हूं। आज इस कलयुग के अंदर किसी भी व्यक्ति को
स्पष्ट वेदन नहीं हो सकता है क्योंकि लास्ट बर्थ नहीं है। क्या नहीं है? लास्ट बर्थ बस। लास्ट बर्थ में इससे पूछता जन्म नहीं होना है। लास्ट बर्थ में आत्मा का अनुभव होगा तो उस बर्थ के अंदर प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होता है, इसीलिए पुरुषार्थ नहीं होता है, कर्मबंध नहीं होता है। मगर जो कर्म लेके आए उसके भुगतान कंपलसरी है। जैसे कर्म खत्म होंगे आत्मा कहाँ जाएगा? मोक्ष में। कर्म बचाव तो करते नहीं है, फिर करने वाला ही नहीं, तो फिर क्योंकि स्पष्ट वेदन हो गया माता के गर्भ में से, फिर पुरुषार्थ जरूरत है नहीं। तो लास्ट बर्थ में ही पॉसिबल है। क्या बताया? आज लोग कहेंगे कि मेरे को अनुभव होता है, तो हम कहेंगे आपके व्यू पॉइंट से बराबर है। क्या है? हम किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं आए, मगर सिद्धांत ये है। भाई तो ऐसे माता के गर्भ में किसको हुआ है आज तक स्पष्ट है ना? सबको जिसका लास्ट बर्थ है। सारे फॉर एग्जांपल है, बहुत सारे हैं एग्जांपल बताओ। बहुत सारे में राम को भी हुआ, महावीर को भी हुआ, बाकी अननोन पर्सन तो बहुत आम आदमी होते हैं, उनका नाम कैसे बताएंगे? अर्जुन का भी हुआ, अर्जुन हम जिसको पॉपुलर वही बताएंगे ना जी। अनपॉपुलर तो करोड़ों की संख्या में होते हैं, वो नाम बताने से फायदा भी क्या होगा? मैं कहूंगा चंद्रलाल को होगा तो आप कैसे मानोगे, जानोगे कैसे? एग्जाम्पल देता हूँ तो अननोन पर्सन का नाम भी बताऊंगा तो आप कैसे मानोगे? वही तो मैंने बताया, राम को हो गए, महावीर को हो गए, अर्जुन को, ऐसे तो बहुत सारे हैं हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, बहुत सारे हैं। दादा भगवान को भी हुआ था शायद, दादा भगवान को होते हैं। मैंने पहले क्या बताया प्रिंसिपल, रिपीट कर दो आप। लास्ट बर्थ एक उनको बोलने दो ना, क्वेश्चन उनका है, उन्होंने सुना है, रिपीट करो अभी। मैंने तो पहले क्या बताया? जो लास्ट बर्थ होगा। नहीं नहीं, पहले लास्ट बर्थ की बात छोड़ दो। आपने पहले ये प्रश्न किया कि दादा भगवान को हुआ था कि नहीं, उसके लिए मैंने आगे उत्तर दिया कि इस कलयुग में, बोलिए, मैंने शुरुआत किया, बोलो। इस कलयुग में किसी को संभव नहीं, फिर नाम की जरूरत है और मैं बोलूंगा यहाँ करूंगा तो कोई कहा जाएंगे दादा भगवान को भी नहीं हुआ था ऐसा बोलते, वो उल्टा समझते हैं। मेरा आंसर ऐसा नहीं है, मैं प्रिंसिपल कहना चाहता हूँ, मगर आप इंडिविजुअल का प्रश्न करोगे तो मैं क्या कहूंगा? सिद्धांत तो सबके लिए क्या होता है? एक ही होता है, फिर व्यक्ति विशेष। तो सिद्धांत सिद्धांत, लास्ट बर्थ में सबको केवल ज्ञान होता है और लास्ट बर्थ में ही स्पष्ट वेतन होता है, पुरुषार्थ नहीं होता है। उसके पहले कोई भी बर्थ है सबको पुरुषार्थ होगा और स्पष्ट वेतन नहीं होगा। महात्मा जी कलयुग कब तक रहेगा? वैसे कलयुग 21,000 साल का है, कितना इसमें से 2600 करीब साल खत्म हो गए, कितना 2600 अप्रोक्सीमेट, नॉट एग्जैक्ट, ओके, एग्जैक्ट तो गिनना पड़ेगा शास्त्रों के मुताबिक, मगर जो गुजराती संवत है इतने साल खत्म हो गए 21,000 में से, आप समझे ना? बाद में जितना बाकी रहा वो अभी कलयुग है, तो अभी तक 21,000 साल तक किसी को इसी क्षेत्र में केवल ज्ञान नहीं होगा, स्पष्ट वेदन नहीं होगा और मुक्ति भी इस क्षेत्र से नहीं होगी। किसी को भी कोई कहेंगे कि मेरे को होता है तो ठीक है, उनके व्यू पॉइंट से करेक्ट है, हम इसमें नहीं जाना चाहते। एक कुदरत का कानून सबके लिए क्या है? एक ही है। किसी को नहीं मानना है और किसी को बताना है चमत्कार के रूप में या अट्रैक्शन के रूप में तो वो बोल सकते हैं, हम इसको मना नहीं करेंगे, ये उनका व्यू पॉइंट है, क्या है, हो सकता है, किसी का भी नहीं। तभी कहते हैं ना, ये विज्ञान जो है जो हम सनातन सत्य के रूप में बताते हैं वो कहीं लोगों की भ्रांति को नष्ट कर देंगे, क्योंकि आज तक जो संसार में कितने सालों से धर्म और धर्मगुरु जो भी बात करते हैं वो व्यवहार सत्य की बात सनातन सत्य के रूप में करते थे। क्या बताया? व्यवहार सत्य की बात सनातन सत्य के रूप में करते थे, क्योंकि सनातन सत्य बताने वाला और कोई था नहीं, तो जो बताएंगे वही लोग मानेंगे ना, वही लोग मानेंगे ना। मगर जब सनातन सत्य बताने वाला आएगा तब मालूम होगा ये तो व्यवहार सत्य की बात है या कुछ तथ्य है,
मगर जहां तक बताने वाला नहीं मिलेगा वहां तक तो वही मानेंगे, वही मानेंगे, आप समझे। तो ऐसा है, जब दुनिया में प्रकाश आता है तो अंधेरा है वो खुला हो जाता है, क्लियर। अंधेरा, अंधेरा का मतलब होता है अज्ञान, और प्रकाश का मतलब होता है विज्ञान। जब विज्ञान, जब साइंटिस्ट आता है सब अज्ञान की पोल खोल देता है, और जब साइंटिस्ट नहीं होता है अज्ञान ही ज्ञान बन जाता है। क्या बन जाता है? अज्ञान ही ज्ञान बस, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या करोगे, और कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या करोगे, उसी को ज्ञान कहोगे। महात्मा जी जो अभी 21 गीता में मतलब 21,000 बोले आपने, उसमें जो 2600 कुछ किया है, तो क्या इतने सालों तक हम क्या मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकेंगे ना? इतने साल तक इस क्षेत्र से मोक्ष नहीं जा सकते, दूसरे क्षेत्र से जा सकते हैं, जहाँ सतयुग है, जहाँ केवल ज्ञान है, जहाँ मुक्त पुरुष है, वहां से आप जा सकते हैं आज भी, बट यहाँ से नहीं जा सकते डायरेक्ट। क्या बताया? जैसे मेरे को अभी अहमदाबाद जाना है बाय फ्लाइट, तो डायरेक्ट जा सकता हूँ, मगर वाया बम्बई जा सकता हूँ, तो डायरेक्ट बंद है, वाया चालू है। बस सिंपल आंसर है, उसमें कोई वो तोड़ जोड़ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, वाया है। स्वामी जी वाया कैसे जाएंगे उसको बताइए, यहाँ से महाव दीक्षित तो वहां के जाने के लिए क्या हमारा योग्यता होना चाहिए, क्या उसके लिए कुछ साथ कर सकते? महाविद्य क्षेत्र जाने के लिए वहां सतयुग है, तो सतयुग के लायक आपके पहले कर्म होने चाहिए। सतयुग के लायक कर्म का मतलब होता है मन वचन काया की इच्छा, जो सोचते हैं जो बोलते हैं वही करेंगे, ऐसे अंदर भाव में एकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं सोच भी अलग, जबान भी अलग, रिएक्शन भी अलग, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जहां मन वचन काया की एकता आपके भाव में रहेगी तो आपका रिवर्ट क्या आएगा? महाविद्य क्षेत्र में, ये पहली क्वालिफिकेशन। और दूसरी क्वालिफिकेशन, अपना जो ज्ञान दर्शन है वो हाई डेवलपमेंट वाला होगा, तभी आप वहां मुक्त पुरुषों की बात उसी लेवल से आप समझ सकोगे, ये दूसरी क्वालिफिकेशन। ये दोनों क्वालिफिकेशन होंगे तो वहां जन्म भी होगा और वहां से मुक्ति भी मिलेगी। मगर सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन सतयुग के लायक होगी तो सतयुग में जन्म होगा मगर मुक्ति नहीं। दोनों चाहिए, क्या चाहिए? सतयुग के लायक अपनी मनोचन काया की क्वालिटी भी चाहिए, और क्या ज्ञान दर्शन भी हाई लेवल का चाहिए, ताकि मुक्त पुरुष की बात हमको हम समझ सके। हाई लेवल का मतलब क्या है? हाई लेवल का मतलब, हाई लेवल का मतलब होता है, हाई लेवल का मतलब होता है जो मुक्त पुरुषों ने अनुभव किया है, अनुभव की लेवल समझने की दृष्टि हमारे पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दृष्टि। उन्होंने जो ज्ञान दर्शन अनुभव किया है, ज्ञान दर्शन और चरित्र, वो समझने की क्षमता अगर हमारी नहीं होगी तो हम अपने अंदर शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन कैसे प्रकट कर सकते हैं, जब दृष्टि ही नहीं है तो? क्योंकि ये बाहर की बात तो है नहीं, ये दिखावे की तो बात नहीं, हम आंखों से देख सकते हैं, मगर बिना दृष्टि उनके अंदर जो अनुभव दशा है इसको हम फिजिकली देख। और इसीलिए जैन परिभाषा में लिखा है, बिना नयन पावे नहीं बिना नयन की बात। क्या बताया? बिना नयन पावे नहीं बिना नयन की बात। ये आंखों की बात, ये अंदर की दृष्टि की बात है। तो अंदर की दृष्टि होगी तभी आप उनकी अनुभव दशा को पहचान सकोगे और प्राप्त भी कर सकोगे। जब पहचानोगे ही नहीं तो प्राप्त करने का सवाल। तो सिर्फ सतयुग के लायक आपका मन वचन काया का कर्म होगा, इसीलिए मुक्ति नहीं होगी, जन्म होगा मगर मुक्ति नहीं।